नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री आनंद शर्मा। आज का प्लान बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्वमुखी घर का वास्तु समझाना है कि अगर आपका प्लॉट 26x50 का है, जैसा कि काफी लोगों ने कमेंट कर रखा था कि सर हमें उसका वास्तु समझा दीजिए कि निर्माण कहां पर क्या करना है। बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में आपको मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखें। देखिए, जब आपका पूर्वमुखी प्लॉट होता है तो सबसे अच्छी बात होती है कि वास्तु अनुरूप पूर्वमुखी प्लॉट को बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा होती है, धन धान्य सुख समृद्धि और यश देने वाली दिशा मानी जाती है। अब बात आती है कि प्लॉट आपका पूर्वमुखी है तो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, पूर्वमुखी प्लॉट उसे कहते हैं जिसके आगे से मुख्य जो सड़क जा रही है वो पूर्व दिशा में जा रही है। आसान भाषा में और समझे तो जिसके प्लॉट के ठीक सामने जो दरवाजा खुल रहा है वो दरवाजे के ठीक सामने आपके सूर्य देव उदय हो, उसे पूर्वमुखी प्लॉट कहा जाता है। ठीक है, अब आपके आगे मुख्य सड़क पूर्व दिशा में जा रही है, चारों तरफ मान लीजिए आपके खुली जगह है प्लॉट के अंदर या जैसा भी आपका प्लॉट है। आगे से आपका 26 फीट चौड़ाई है प्लॉट की और सेम 26 फीट पीछे से होनी चाहिए। 50 फीट लंबाई है तो 50 फीट आपकी इधर से लंबाई होनी चाहिए। यानी कि प्लॉट का ये नैर्ऋत्य कॉर्नर है जो आपका दक्षिण का और पश्चिम का, ये बड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वायव्य कॉर्नर भी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और अग्नि कॉर्नर भी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एकदम सही है, जितनी चौड़ाई आगे से उतनी पीछे से, जितनी लंबाई इधर से उतनी इधर से, तो आपका प्लॉट बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, सुख और समृद्धि धन धान्य यश देने वाला प्लॉट माना जाएगा अगर पूर्वमुखी है। अब निर्माण कैसे करना है। सबसे पहले निर्माण से पहले आपको समझना होगा कौन सी दिशा किधर आ रही है। आगे पूर्व दिशा है, पीछे सेम पश्चिम दिशा है, इधर उत्तर नॉर्थ है, इधर साउथ दिशा है, ठीक है, दक्षिण। इसके अलावा कॉर्नर के ऊपर भी आपकी दिशाएं आती है। यह आपका ईशान कॉर्नर देवस्थान है, अग्नि कॉर्नर अग्निदेव का स्थान है, नैर्ऋत्य कॉर्नर ये वायव्य कॉर्नर, ठीक है। अब मुख्य द्वार देने की जब बात आती है तो पूर्वमुखी मकान में मुख्य द्वार आपको यहां पर देना है। कभी भी भूलकर अग्नि कॉर्नर की तरफ मुख्य द्वार ना दें पूर्वमुखी मकान में। हर प्लाट की दिशा का अपना एक वास्तु होता है। ये नहीं होता कि आप अगर पूर्वमुखी मकान में अग्नि कॉर्नर में अपना दरवाजा नहीं दे रहे तो आप दक्षिण में भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ पूर्वमुखी प्लाट में अपना अग्नि कॉर्नर में दरवाजा नहीं देना है। मुख्य दरवाजा आपका यहां पर आएगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करें, हो सके तब तक अगर आपका इस टाइप का प्लॉट है बड़ा, तो आपको ये ईशान कॉर्नर खुला छोड़ना ही चाहिए। उसके बाद में ये आपकी पार्किंग एरिया हो जाएगा। आगे की तरफ भी अग्नि कॉर्नर तक हमने ओपन स्पेस छोड़ा है, काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी फूल पौधे लगा सकते हैं गार्डनिंग के लिए। उसके बाद में आपके अंदर का मुख्य द्वार आएगा। मुख्य द्वार देखिए दो लगते हैं, एक तो लोहे का मुख्य द्वार और एक अंदर का मुख्य द्वार, जिसको हम कहते हैं मेन घर का डोर या चौघट। ये चौघट आपकी यहां लगेगी। जैसे आप अंदर प्रवेश करें तो आपका ये ब्रह्म स्थान आएगा। ब्रह्म स्थान का अपना वास्तु होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ब्रह्म स्थान। अगर आपका ब्रह्म स्थान वास्तु अनुरूप नहीं है तो वास्तु शास्त्र के अनुरूप इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण आपके घर में काफी परेशानियां शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक की पूरा वास्तु अनुरूप आपको अपना घर का हॉल, जिसको वास्तु की भाषा में, वास्तु लैंग्वेज में ब्रह्म स्थान कहा जाता है, ये पूरा आपका हॉल आ जाएगा, लिविंग एरिया, ठीक है, पूरा वास्तु अनुरूप छोड़ना। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करना है, जहां स्वास्तिक दिया गया है वहीं पर आपको यथास्थान पूजा घर का निर्माण करना है। पूजा घर में एक चीज ध्यान रखनी है, पूजा घर में दो दरवाजे दो खिड़कियां कभी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा दरवाजे खिड़कियां कभी ना रखें। दूसरी चीज है, पूजा घर अगर आप ओपन रखना चाहते हैं तो साफ सफाई का और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। प्लस पूजा घर के ठीक सामने लेटरिन बाथरूम कभी भी ना बनने दें, यानी कि दरवाजे आमने सामने नहीं रहने चाहिए। और निर्माण हर जगह हर चीज का आप वास्तु के अनुरूप कर सकते हैं। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, ये क्या बताया हमने, अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर में देना है आपको रसोई घर, वास्तु का ध्यान रखना है। काफी लोग अपने हिसाब से प्लान बना के अपने हिसाब से निर्माण करवाते हैं, उनसे हमने हर बार कहा है कोई भी अच्छे वास्तु शास्त्री आपके नियरेस्ट, उनसे आप प्लान बनवाइए फिर निर्माण करवाइए, क्योंकि प्लान बनाने में इतना खर्चा नहीं आता। निर्माण आप करेंगे लाखों रुपए इन्वेस्ट होगा,
तो आपका बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य आपके घर के वास्तु पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है, क्योंकि जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का वास्तु सही होना बहुत जरूरी है, तभी आपके बच्चों का जीवन और आपका जीवन में ग्रोथ आ पाएगी, उन्नति हो पाएगी। ये अग्नि कॉर्नर में आपको अपना देना है रसोई घर, एक विंडो आपकी इधर एक विंडो इधर आप दे सकते हैं। तो रसोई घर के बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, क्लॉकवाइज आपको सीढ़ी देनी है, सीढ़ी आपकी इधर से लेकर इधर पूरी क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है। सीढ़ी हमने इस हिसाब से दी है कि आपका लिविंग एरिया बड़ा हो जाए, सीढ़ी भी वास्तु के अनुरूप हो जाए और एकदम सेपरेट सीढ़ी भी निकल जाए। एक विंडो हमने इधर दे दी है, एक विंडो नॉर्थ की तरफ है, अपना अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए इधर प्रवेश कीजिए, ये आपका नर्तकीय कॉर्नर का रूम। नर्तकीय कॉर्नर का रूम के अंदर दो विंडो है, मगर विंडो आप जब देते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो स्थान होता है आपके माता पिता यानी अगर घर का कोई भी मालिक है, जो आपके घर का हेड है, आपके दादा दादी जी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, उनका निवास स्थान इस स्थान पर सबसे अच्छा रहता है। जिन घरों में नर्तकीय कॉर्नर दबा रहता है, नर्तकीय कॉर्नर ईशान कॉर्नर से नीचा होता है, उन घरों के अंदर बहुत विषम परिस्थितियां बनती है जिनका बखान एक वीडियो में हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, विंडो दे सकते हैं, कोई भी तरह का अंधविश्वास ना लाएं, विंडो के ऊपर पर्दे रखें, बस जब भी आपको जरूरत हो विंडो ओपन करें, वरना पर्दे या दरवाजे लगा के रखें। इधर प्रवेश करेंगे, अटैच लेट बाथ दे सकते हैं, मास्टर बेडरूम बन गया। उसके बाद में देखिए एक कॉमन लेटरिन बाथरूम यहाँ दिया गया है, वेंटिलेशन दोनों विंडो का एक साथ हो जाएगा, इस तरफ आप फैन इसमें लगा लेंगे और दोनों के बीच में लेट बाथ के बीच में विंडो दे देंगे तो भी वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो ये आपका रूम है, इस ये वायव्य कॉर्नर का रूम रहेगा। पीछे जाने का एक दरवाजे, पीछे एक बालकनी दी गई है हमने, ये आप देख रहे हैं बालकनी है पीछे, आराम से जाके आप सिट आउट एरिया यूज कर सकते हैं। वायव्य कॉर्नर भी खुला हो गया, एक एक विंडो आप दोनों तरफ दे सकते हैं, आंगन में देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर दो विंडो रखें, कोई सी भी दो विंडो आप रख सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर जब आप निर्माण करें तो इन चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक, इन सब का हमने आपका लिए अलग से वीडियोज बना रखे हैं, तो आप उनमें भी देख सकते हैं। मुख्यतः जब आप बोरवेल का निर्माण करें तो मैं आपको बता रखा है वाटर टैंक वगैरह, आपका ये कॉर्नर सबसे उपयुक्त रहता है। तो आज के लिए इतना ही, जब भी घर का निर्माण करें वास्तु का ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में उन्नति आ सके। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।